यहाँ पर पहुँचने पर दोस्तों, ये एक यहाँ पीपल का पेड़ है और मंदिर है, तो वो प्रांगण पूरा आपको दिखाएंगे। ये आप देख लीजिए, चारों तरफ दिखाइए कितना अच्छा यहाँ पे वातावरण है। यहाँ पे एक दुकान भी लगी है प्रसाद की, एक दुकान है। हर हर महादेव। शंकर जी का स्थान भी है, शंकर जी का भी स्थान। अच्छा, और माता गीता भवन है जी, इसमें कृष्ण अर्जुन है। अच्छा, तो बहुत सुंदर आपका आश्रम जो है, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है महाराज जी आपका? देवेंद्रानंद। तो बाबा जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ मेला 8 दिसंबर से लगेगा, 15 तारीख तक लगेगा मेला, और यहाँ दूर दूर से लोग आते रहते हैं, बहुत दूर दूर से आते रहते हैं। प्राकृतिक स्थान है ये, शंकर जी का स्थान है, माता जी हैं, कृष्ण जी का है, सब मंदिर बने हुए हैं यहाँ। शांति है, आश्रम तो बड़े बड़े हैं सुंदरता। दोस्तों यहाँ पर गाय भी हैं, गौशाला भी है। इसको भूख लग रही है। ये यहाँ धोबिया घाट का जो आश्रम है हरियामा का, वहाँ का शिलापट लगा हुआ है, पर्यटक विश्राम गए शिलान्यास, इसको श्री पुलकित खरे जी ने उनके कर कमलों से हुआ था। तो ये है, और कितना सुंदर देखिए, प्राकृतिक रूप से सब रंग रोगन किया गया है, जल और जंगल जैसे का जैसा कि बाबा जी ने बताया वो यहाँ है, मौजूद है। और ये देखिए, यहाँ पर तपोवन, सिद्धाश्रम, पर्यटक विश्राम गृह भी। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं तपोवन का जो धुबिया आश्रम है उसके विश्राम गृह में। इस विश्राम गृह का जो निर्माण का था, पुलकित खरे जी ने करवाया था, उसका शिलान्यास जो उनके कर कमलों द्वारा हुआ था, तो ये विश्राम गृह है, उसका शिलापट पीछे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसी का ये बरामदा है। कोई अतिथि अगर खास व्यक्ति आता है तो वहाँ रुक सकता है, इसका ये कक्ष बनाया गया है। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर जल के लिए प्राकृतिक जल निकलता है, और जंगल वो यहाँ पर है।
बड़ी ही अच्छी जगह है दोस्तों, आप लोग आइए देखिए। और ये व्यास गद्दी है। दोस्तों धुबिया आश्रम जब आप पहुंचेंगे तो एक मार्ग इधर से भी आप आ सकते हैं, तो सबसे पहले ये यज्ञशाला ये आपको मिलेगी देखने को। उसके बाद एक रास्ता जो है ये जाता है अंदर आश्रम को, ये सिद्धाश्रम है, इधर से भी आप अंदर जा सकते हैं। और एक रास्ता आपको उधर से दाहिने की सड़क चला गया है, तो उधर से भी आप पहुँच सकते हैं। यहाँ दो तीन दिन अत्यधिक बरसात होने के कारण यहाँ पेड़ों की जड़ों के पास की जो मिट्टी थी वो बह गई, और देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया। जगह जगह पर ऐसा ही बरसात में यहाँ देखने को मिलता है, ऊंची नीची ज़मीन जंगल की। और ये देखिए कितनी मिट्टी यहाँ से गायब हो गई बरसात में। जल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है। दोस्तों इनके बगैर जीवन अधूरा है, इनके सिवा जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पेड़ पौधों को बचाइए, जीवन को बचाइए, जल संरक्षित कीजिए।